सरगुजा आईजी के निर्देश के बाद भी चिरमिरी में अवैध कोयले के कारोबार पर अंकुश नहीं लग रहा। बीते दिनों एमसीबी जिले के मनेंद्रगढ़ दौरे के दौरान सरगुजा आईजी रामगोपाल गर्ग ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को क्षेत्र में हो रहे अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए थे। उसके बाद भी चिरमिरी में अवैध कोयला का उत्खनन नहीं रुक रहा। चिरमिरी में संचालित हो रहे अवैध कोयले के कारोबार में बरतुंगा मैगजीन के पीछे देवी मंदिर के पास घनघोर जंगल को उजाड़ कर कोयले का अवैध उत्खनन हो रहा है। घनघोर जंगल में कोल माफियों ने कोयला ले जाने के लिए जेसीबी से सड़क भी बना दी है। वन विभाग की कृपा दृष्टि से भी संचालित है अवैध कोयले का कारोबार। जिले के आला अधिकारी बेखबर हैं। प्रशासन की अनदेखी से फल फूल रहा अवैध कोयले का कारोबार। जंगल में कोयला निकालने के लिए 1.5 किलोमीटर तक बनाई गई है सड़क। कुर्सियां, आमा नाला, बरतुंगा डीएवी स्कूल के पीछे हो रहा कोयले का अवैध उत्खनन, लेकिन प्रशासन इन अवैध कार्यों को बंद कराने में नाकाम साबित हो रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि आईजी के निर्देश का असर कब तक होता है और अवैध कार्य कब बंद होता है। तो इसी को लेके एसपी साहब के मार्गदर्शन में ये थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि किसी भी प्रकार की जो अवैध कार्यवाही, अवैध जो कारोबार हैं वो ना चले और अधिक से अधिक कार्रवाई की जाए।